नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्वेटर का आपको ये डिजाइन बनाना बताने जा रही हूँ। ये डिजाइन देखिए कितना खूबसूरत है, आप इसको किसी भी स्वेटर में डालिए, बच्चों के भी बड़ों के भी। और ये डिजाइन बहुत ही सिंपल है, इसको मैंने 14 फंदे में बनाया है। इस तरह से ये मेरा 46 फंदे में है। आप इसमें 14 प्लस 4 फंदे आप किसी भी स्वेटर में डालिए इस तरह से, और लास्ट में प्लस 4 फंदे ऐड कर दीजिए। आपको मेरा डिजाइन अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ये मैं आपको दो डिजाइने बना के दिखाऊंगी, तो मेरा 14 दूनी 28 और प्लस 4 फंदे, तो ये मेरे भी टोटल 32 फंदे हैं। ये देखिए इस तरह से मैं आपको ये बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, इसे पहला फंदा हम उतार लेंगे। ये देखिए हम पहला फंदा उतार लेंगे और धागा आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2। इस फंदे को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, धागा पीछे करूंगी। इसमें दो, एक फंदा जो मैंने उतारा और दो मैंने नॉट, ये दो उल्टा बिन दिया। ये देखिए इस तरह से। अब हमको, मैं डिजाइन पहले ही सिलाई से स्टार्ट करूंगी। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए, हम ये दो फंदे मैं ये आल पिन में उतार लेती हूँ, या आप इसको किसी और तरीके से करना चाहें तो कर। अब ये देखिए, ये दो फंदे इस आल पिन में ले लूंगी, 1 2। ये दो फंदे हमने आगे वाले इस आल पिन में ले लिए। ये देखिए इस तरह से। अब ये हमने दो आगे वाले फंदे इसमें आलपिन में ले लिए और ये दो पीछे के फंदे हम बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से, 1 2। दो फंदे बिन लिए और जो ये दो फंदे हमने आलपिन में लिए थे, इनको ऐसे खींच के ये सलाई में हम डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, 1 2। ये दो फंदे हमने ये सलाई में ले लिए। और ये दो फंदे हमने पीछे के बिन लिए थे, अब इन दो फंदों को अब हम फिर से बिन देंगे। ये देखिए इसी तरह से, 1 और 2। ये दो फंदे हमने बिन लिए, इन दो फंदों को हमने उलट पलट कर दिया। दो पीछे वाले फंदे हमने पहले बिने और ये दो फंदे हमने आलपिन में उतारे थे इनको बाद में। अब ये हम पूरे फंदे इस तरह से बिनेंगे, 1। अभी मेरे 4 फंदे हो गए ये, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फंदे हमने ये सीधे बिने और ये दो फंदे हमने उल्टा बिने थे। ये हमारे फिर धागा आगे करेंगे, फिर ये देखिए हमने, ये हमारे टोटल 14 फंदे हो गए हैं। एक फंदा हमने ये उतार लिया था और फिर इधर से गिनती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे ये हो गए। अब हम दो फंदे हम उल्टा बिनेंगे, 1 2। दो फंदे हमने उल्टा बिने, धागा पीछे करेंगे, फिर हम उसी तरह से फंदे ट्विस्ट करेंगे, आगे वाले फंदे, या तो फिर आप ऐसे कर लीजिए, ये दो फंदे पीछे के। ये देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ, इस तरह से पीछे के इसमें भर लो सलाई में और फिर ये दो फंदे आगे वाले इनको पीछे कर देंगे। अब ये देखिए, मैंने ये दो फंदे पीछे वाले इसमें ले लिए और इसको इस तरह से करेंगे और ये दो फंदे हम इसमें पिरो देंगे। ये देखिए, आपको जैसा आसान लगे वैसा करें। अब ये फंदे हम बिन लेंगे, चारों फंदे जैसे हमने ये यहाँ पे आगे वाले फंदे पीछे कर दिए, पीछे वाले हम ये दो फंदे बिन लिए और ये 3 और ये 4। देखिए 4 फंदे हमारे हो गए इस तरह से, और ये 4 हो गए, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 फंदे हो गए। और लास्ट में हमारे दोनों तरफ 3-3 फंदे होते हैं, एक फंदा मैं उतारने के लिए रखती हूँ, दो ये उस नॉट की तरह नॉट लगाने, ये देखिए दो नॉट लगा दी। अब इसको हम धागे को पीछे करेंगे
और इसको हम सीधा बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम फिर से ये अभी मैंने पहली सलाई बना ली, अब मैं दूसरी सलाई में आ गई। तो ये हम पहला फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये दो फंदे हमारे उल्टे हैं, इनको हम उल्टा बिनेंगे। दो फंदे उल्टे हमने बिने, फिर धागा पीछे करेंगे और फिर इनको हम इस तरह से, ये हमारे 12, ये दो फंदे जो हमने उल्टे इस तरफ किए थे इनको हम इस तरफ हमें सीधे हो जाते हैं, उल्टी साइड में सीधे। तो इनको दो फंदे हमने सीधे बिन लिए। अब हमें ये 12 फंदे बिन, ये हमारे 12 फंदे हैं, इनको हम उल्टा उल्टा बिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 फंदे हमने उल्टे बिन लिए। अब धागा पीछे करेंगे और दो फंदे हम उल्टे बिनेंगे। 1, 2, ये दो फंदे हमने उल्टे बिनेंगे जो डिजाइन के हमने बीच डालते हैं। फिर हम, फिर हमारे ये 12 फंदे, ये देखिए ये 12 फंदे हमने उल्टे बिने और ये दो फंदे जो हमारे उल्टे हैं इनको हमने सीधा बिना। अब हम फिर से, अब ये 12 फंदे उल्टे बिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12 हो गए और दो फिर पीछे करेंगे। और ये लास्ट में हमारे ये तीन फंदे उल्टे जो ये लास्ट में हमारे तीन फंदे हैं इनको हम इस तरह से सीधा बिनेंगे, क्योंकि ये हमारी उल्टी साइड में ये फंदे सीधे हो जाते हैं। ये देखिए अब हमने ये दूसरी सलाई बिन ली, अभी हमारी ये तीसरी सलाई है। अब ये देखिए इस तरह से हम पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, सॉरी पहला फंदा हम उतार लेंगे और फिर दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1, 2, दो फंदे हमने उल्टे बिने। अभी हम, अब ये देखिए हमने ये हमारी तीसरी सलाई हो गई, क्योंकि एक उल्टी और एक सीधी बिन ली। अब हम ये देखिए ये दो फंदे जो हमने उस बार इनको पलटे थे, इसको हम 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए 2 को 1 कर दिया। और अब हम फिर से उसी तरह से करेंगे, पीछे वाले फंदे, ये आगे वाले फंदे मैं ये आलपिन में लेती हूँ क्योंकि मुझे आसान रहते हैं, आपको जैसा आसान लगे। इन दो फंदे को मैंने आगे आलपिन में ले लिया इस तरह से, और अब पीछे वाले दो फंदे हम बिन लेंगे। 1, 2, और ये हमने पीछे वाले फंदे बिन लिए। अब ये दो फंदे जो हमने आलपिन में लिए थे इन दोनों को हम ये सलाई में ले लेंगे इस तरह से। 1, 2, ये दो फंदे हमने सलाई में ले लिए। अब इनको हम इस धागे को आगे करेंगे और ऐसे करके हम 1, 2, दो फंदे हम बिन लेंगे, फिर बाकी फंदे हम सीधे सीधे बिनेंगे इस तरह से। ये पूरे फंदे अभी हमारे ये 2 हैं, 3, 4, 5, 6। अब धागा पीछे करेंगे और ये दो फंदे हमारे उल्टे हैं इनको हम उल्टा बिनेंगे। 1, 2, ये दो फंदे हमने उल्टा बिने, धागा पीछे किया। फिर हम ये देखिए हम दो, अभी हमारी यहाँ पे ये दूसरी डिजाइन हुई, तो ये हम दो फंदे का जो फंदे हमने बदले थे दो फंदे को हम एक कर देंगे। ये एक कर दिया और इस धागे को हम आगे करेंगे। अब यहाँ पे हम फंदे फिर से उसी तरह से करेंगे, आगे पीछे जैसे मैंने किए थे। आगे वाले फंदे ये देखिए मैं आलपिन में ले रही हूँ, आगे की तरफ ले ली, ये देखिए इस तरह से। और ये पीछे इस वाले को, धागे को मैंने आगे किया हुआ है, देखिए इस तरह से। और ये इस फंदे को अभी हम ये दो फंदे बिन लेंगे। 1, 2, दो फंदे हमने बिन लिया। अब ये दो फंदे को हम फिर से इसी सलाई में पिरो देंगे, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमने इसे पिरो दिया, इसको ऐसे करके अब ये हम दो फंदे बिन लेंगे। ये देखिए अब बाकी जो हमारे सीधे फंदे हैं उनको हम सीधा सीधा इसी तरह से बिनेंगे। ये देखिए ये भी हमारी तीसरी सलाई, धागा आगे करेंगे और ये दो फंदे हमारे उल्टे हैं इनको उल्टा बिनेंगे, धागा
पीछे करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बीनेंगे। अब हम उल्टी साइड में आ गए, ये देखिए, और ये हमारी चौथी सलाई है। धागा पहला फंदा उतार लेंगे और ये दो फंदे हमारे जो उस साइड उल्टे थे, अब ये देखिए हमारे सीधे हैं, दिख रहे हैं, और इनको हम उल्टा बीन देंगे। दो फंदे हमने उल्टा बीना, धागा पीछे करेंगे और ये हमारे 12 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 फंदे हमने बीन लिए। धागा पीछे किया, अब दो फंदे हमने, 1, 2, 2 फंदे हमने उल्टे बीने, धागा पीछे, ये दो फंदे हमने सीधे बीने जो इस साइड में उल्टे थे, धागा पीछे की, अब धागा आगे किया, अब ये हम फिर 12 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 फंदे हमने सीधे मिले, धागा पीछे करेंगे और ये लास्ट में हमारे 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों को हम उल्टा भी लेंगे, 1, 2, 3 ये देखिए। अब हम फिर से उल्टी सलाई बीन ली, अब हम फिर से सीधी सलाई में आ गए, पहला फंदा हमने उतार लिया, अब दो फंदे हमने उल्टे बीने, 1, 2 अब ये हमारी पांचवी सलाई है। अब ये देखिए, ये फंदा हमने बीन लिया, 1 फंदा हमने बीन लिया, 2 फंदे बीन लिए, इसके बाद में हम ये 2 फंदे को घटा देंगे, ये देखिए इस तरह से 2 फंदे का 1 कर दिया। अब इसको धागे को हम आगे करेंगे और ये 2 फंदे जो हमारी, ये देखिए डिजाइन, ये क्रॉस में जाते हुए फंदे नजर आ रहे हैं, इन 2 को हम एक आलपिन में इस तरह से हम उतार लेंगे और ये धागा आगे करके और ये 2 फंदे हम ऐसे बीन लेंगे, 1, 2 ये 2 फंदे हमने सीधे बीन लिए, यहाँ पे हमारी जाली पड़ जाती है और एक फंदा जो हम घटाते हैं वो बन जाता है। अब ये 2 फंदे को हम आगे वाले को से आलपिन वाले इसमें पिरो लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम ऐसे करके फिर इनको हम सीधा बीन लेंगे, 1, 2 ये देखिए इस तरह से बीन लिए, ये हमारी डिजाइन हल्की हल्की ये दिख रही है क्रॉस में। अब बाकी ये फंदे जो सीधे हैं इनको हम सीधा बीन लेंगे, 1, 2, 3, 4 फंदे अभी हमारे ये सीधे इधर रह गए हैं, धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे, 1, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और ये देखिए 1, 2 फंदे बीन लिए हमने, 2 फंदे बीन लिए, ये देखिए लास्ट में। अब ये 2 फंदे को हम 1 फंदा बना देंगे, ये देखिए 2 फंदे बीने, पिछली बार हमने 1 फंदे को 2 फंदे को 1 किया था, अब इस बार ये देखिए 2 फंदे बीनने के बाद में हमने ये 2 फंदे जो हम इस बार रो किए थे उनको हम घटा दिए। अब फिर से उसी तरह से ये 2 फंदे हम आलपिन में उतारेंगे, ये देखिए, और इस धागे को आगे करके और ये 2 फंदे हम सीधे सीधे बीनेंगे, 1, 2 अब इन्हीं 2 फंदों को फिर इसी में इस तरह से हम पिरो देंगे और इसको ऐसे करके एक दो, ये 2 फंदे हमने बीन लिए। अब ये हमारे यहाँ पे 4 फंदे, 1, 2, 3, 4 धागा आगे करेंगे और ये लास्ट में 3 फंदे, 1, 2, 3 तीन फंदे हमारे उल्टे हैं, इनको हम उल्टे ही रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब धागा, अब ये हमारी छठवीं सलाई, पहला फंदा उतारेंगे, इसको पीछे करेंगे और ये 2 फंदे हैं इनको हम सीधे हैं हमारे, इनको हम सीधा बीनेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे और ये हम अपनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 सलाइयां हमने उल्टी बीनी, धागा पीछे किए और 2 फंदे हम उल्टे
बिनेंगे। फिर से हम ये देखिए दो फंदे हमने ये सीधे बिने क्योंकि ये उल्टे उस साइड में रहते हैं, इस साइड में हमारे ये सीधे हैं। तो 12 फंदे उल्टे बिनने के बाद में दो फंदा सीधे उल्टी सिलाई में ऐसे ही बनाना है। 12 सीधे दो उल्टे, 12 सीधे दो उल्टे, और ये पूरी लाइन हम यहाँ लास्ट तक ऐसे ही बिन लेंगे। ये देखिए ये हमारे फंदे जो उल्टे हैं उनको हमें उल्टा ही बिनना है और जो सीधे हैं उनको सीधे बिनना है। और ये देखिए इस तरह से हम पूरी सिलाई बना लिए और ये लास्ट में धागा पीछे करेंगे और ये लास्ट में हमारे तीन फंदे सीधे हो जाते हैं। ये देखिए इनको हमने सीधा बिन लिया। अब धागा ये, अब ये हमारी सातवीं सिलाई। पहला फंदा हमने उतार लिया, फिर दो फंदे हम उल्टे बिनेंगे, एक दो, दो फंदे उल्टे बिने, धागा पीछे किया और उस बार हमने दो फंदे बिने थे, एक दो, दो फंदे बिने थे फिर चैन बनाई थी। इस बार हम चार बिनेंगे, एक दो तीन चार। ये चार फंदे बिनने के बाद में जो फंदा पिछली बार हमने क्रॉस किया था उन दो को हम एक साथ घटा देंगे, चाहे जैसे घटाओ, चाहे ऐसे करके और चाहे ऐसे, कोई फर्क इस तरह से घटाना है। मैं घटा दिया, फिर अब हम ये दो फंदे आलपिन में ले लेंगे इस तरह से। अब धागा आगे करेंगे और ये पीछे के दो फंदे हम बिन लेंगे इस तरह से, छह ये हमने बिन लिया। अब इन दो फंदों को इसमें सिलाई में इस तरह से हम पिरो देंगे, जो हमने इसमें भरे थे वो इसी में अब डालेंगे। अब इनको ऐसे करके हम बिन लेंगे, ये देखिए तीन चार, ये चार फंदे हमने बिन लिए। ये देखिए हमारी डिजाइन यहाँ पे बन के आ रही है। फिर हम दो फंदे, अभी हमारे उस बार चार थे, अब दो फंदे सीधे हो गए, धागा पीछे है, अब धागा मांगे करके दो फंदे उल्टे, एक दो उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर उसी तरह से एक दो तीन चार, चार फंदे हमने सीधे बिन लिए। अब हम ये पांचवें फंदे को दो का एक कर देंगे। ये देखिए एक फंदा दो, ये दो फंदे को हम एक साथ बिन के दो का एक कर देंगे, धागा आगे करेंगे और ये दो फंदे ये हमारे डिजाइन के हैं। इन दो को इसमें हम इस तरह से दो फंदे इसी में एक साथ ले लिए। अब हम धागा आगे करके ये दो फंदे हम सीधे सीधे बिन लेंगे, एक दो, ये देखिए। फिर ये दोनों को हम इसी में पिरो देंगे, एक दो, और इसको ऐसे करके इनको हम बिन लेंगे। ये देखिए बिन लिया और ये देखिए हमारी डिजाइन हल्के हल्के आपको नजर आ रही होगी। फिर ये दो फंदे हमारे सीधे हैं, इनको सीधे बिनेंगे। लास्ट में हमारे तीन फंदे उल्टे, ये देखिए हमने दो फंदे, ये तीन फंदे हमने बिन लिए। फिर अब हमारी आठवीं सिलाई, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे, फिर चौदह बारह फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह फंदे हमने बनाए, धागा पीछे किया, दो फंदे हमने सीधे बिने, फिर धागा पीछे, फिर ये बारह फंदे उल्टे, फिर लास्ट में हमारे तीन फंदे सीधे, इनको इसी तरह से बनाएंगे। अब ये देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली। फिर से हम ये हमारी आठ सिलाई हो गई। अब ये हमारी नवी सिलाई, धागा पहला फंदा उतारा, दो फंदे उल्टे किए, ये देखिए धागा पीछे, फिर हमने उस बार चार फंदे बिने थे, एक दो तीन चार, अब हम छह बिनेंगे, पांच छह, छह फंदे बिन लिए। अब हम दो फंदे का एक फंदा कर देंगे, फिर ये देखिए दो फंदे का एक, धागा आगे, फिर उसी तरह से हम ये दो फंदे आलपिन में लेंगे इस तरह से, और ये धागा पीछे करके दो फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे। ये बिन लिया, फिर इन दो फंदों को
इस तरह से इसमें ऐसे पिरो दिए। अब ये दो फंदे, एक दो, दो फंदे हमने इस तरह से बीन लिए और धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर उसी तरह से एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे बीने। अब दो फंदे का हम एक कर देंगे, सात आठ, धागा आगे किए, एक दो, दो फंदे हमने बीने, फिर धागा पीछे करें, फिर एक दो, दो फंदे हमने सीधे बीन लिए और ये वाले जो फंदे हैं इनको ऐसे खींच देंगे तो धागा इनका बड़ा हो जाएगा और इस तरह से हम इनको बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये, और ऐसे हमने करके पूरे फंदे क्रॉस करवा दिए हैं। ये देखिए ये हमारी नवी सिलाई, और ये पूरा फंदे, दो फंदे, तीन फंदे, लास्ट में दो फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा, धागा पीछे। और ये देखिए हमारी, ये देखिए डिजाइन इस तरह से बन के आ रही है। फिर हम उल्टी सिलाई में उसी तरह से रिपीट करेंगे, पहला फंदा बीन लिया, फिर धागा पीछे करेंगे और फिर दो फंदे का ये दसवीं सिलाई, दो फंदे उल्टे बीने, धागा पीछे, और फिर ये हम बारह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह फंदे हमने उल्टे बीने, फिर दो फंदे सीधे, फिर धागा पीछे किया, फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह, बारह फंदे हमने उल्टे बीन लिए, फिर दो फंदे हम लास्ट के तीन फंदे हम इनको इसी तरह से सीधा बना लेंगे। अब ये देखिए हमने दसवीं सिलाई बना ली। अब ये लास्ट में हमारी रहेगी ग्यारहवीं सिलाई, पहला फंदा उतारेंगे, दो फंदे उल्टे, एक दो, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, और फिर ये देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पाँच आठ छः, आठ फंदे हमने छः भी नहीं। अब ये दो फंदे फिर से घटा देंगे, ये देखिए ये दो फंदे घटा दिए, धागा इस तरह से करेंगे और इस बार हमें फंदे बदलने नहीं, क्योंकि हमने पूरे फंदे बदल डाले। अब हमारी ये लास्ट में बचते हैं, यहाँ इसलिए हमने घटाया और ये इस फंदे को हम यहाँ पे जाली से बना लेंगे, एक दो, दो फंदे इसी तरह से बनेंगे, धागा पीछे, ये देखिए इस तरह से करके धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे और ये हमारी डिजाइन कंप्लीट हो रही है। देखिए फिर धागा पीछे करके दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे, फिर उसी तरह से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे के बाद में फिर दो फंदे का एक करेंगे, दो फंदे का एक कर दिया, ये देखिए इस तरह से। अब धागा आगे करेंगे और ये हमारे लास्ट में दो फंदे सीधे बचते हैं, इनको हम दो सीधा ही बीनेंगे, फिर धागा पीछे, ये देखिए धागा आगे करके दो फंदे हम उल्टा बीनेंगे और ये लास्ट के हमारे तीन फंदे। अब हम फिर से उल्टी सिलाई में आ गए और ये हमारी डिजाइन कंप्लीट हो गई। ये देखिए पहला फंदा उतारा, धागा पीछे और दो हमने उल्टे बीने, ये देखिए धागा आगे और ये बारह फंदे हमारे जो जैसा है, सीधे फंदे सीधे, उल्टे फंदे उल्टे, हम अपनी ये सिलाई बना लेंगे, ये बारहवीं सिलाई इसी तरह से पूरी कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई ये देखिए, उल्टे फंदे जो उल्टे हैं हमारे बारह है। इस तरह से हम इनको उल्टा फंदे उल्टे ही बीनेंगे, धागा पीछे, दो फंदे हम सीधे, फिर धागा किया, एक दो तीन
चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, ये बारह फंदे धागा पीछे और लास्ट की ये तीन फंदे हम उल्टे बनेंगे। ये देखिए, और ये देखिए हमारी डिजाइन, ये देखिए कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ पे दूसरी डिजाइन स्टार्ट करनी है, तो मैं सेम उसी तरह से जैसे मैंने नीचे स्टार्ट किया था सेम अब हमें उसी तरह से रिपीट करना है। पहला फंदा उतारा, दो फंदे उल्टे, ये देखिए अब हमने डिजाइन स्टार्ट किया था, अब हम सेम उसी पहले ही फंदे से डिजाइन स्टार्ट करेंगे जैसे हमने शुरू में किया था। दो फंदे हम आगे वाले इसमें इस तरह से आलपिन में पिरो लेंगे, इस तरह से अब धागा पीछे करेंगे, ये देखिए, और दो, एक, दो, दो फंदे हम उल्टा बिन लेंगे और ये दोनों फंदे इसी में सलाई में पिरो के, ये देखिए एक, दो, दो फंदे इसी में पिरो के ऐसे करके ये देखिए बिनेंगे। ये देखिए अब हम फिर से यहां से डिजाइन फिर स्टार्ट करें और बाकी फंदे हम इसी तरह से सीधे सीधे बनाएंगे। अब हमारी ये डिजाइन दूसरी स्टार्ट हो रही है सेम टू सेम, ये देखिए अब ये हमने पूरे फंदे सीधे बना लिए। यहां से मैंने फिर से फंदे बदलना शुरू किए, धागा फिर आगे करके दो फंदे उल्टे, ये देखिए फिर ये हमें दूसरे में सेम उसी तरह से पहली बार के दो फंदे इस तरह से इसमें और पीछे के हम दो फंदे ऐसे करके बीन लेंगे। ये देखिए दो फंदे हमने सीधे बीने और जो दो हमने आगे किए थे उन फंदों को अब हम, अब ये हमारी डिजाइन की दूसरी कली रिपीट हो रही है, धागा इस तरह से करके, ये देखिए एक, दो, ये हम इस तरह से और ये फंदे हम सीधे वाले पूरे जितने अब हमारे सीधे फंदे हैं उनको हम लास्ट तक सीधे बीनेंगे। ये देखिए डिजाइन के धागा आगे, दो फंदे हम फिर से, ये लास्ट के तीन फंदे हम उसी तरह से हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए अब हमारी ये डिजाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, अब हम सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे, उल्टी सिलाई सेम टू सेम बनाना है, उल्टे फंदे उल्टे, सीधे फंदे सीधे। उसके बाद में जब हम यहाँ सीधी साइड में आएंगे तो हम उसी तरह से फंदे घटाएंगे, दो फंदे का एक कर देंगे, फिर जाली से आगे फंदा बनाएंगे। तो ये हमारी इस तरह से जालियां पड़ती हैं और डिजाइन दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरा डिजाइन कैसा लगा। नमस्कार।